नमस्कार, आज के श्रमिक पत्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आज के अहम खबर। इसमें जो रिजल्ट में हुआ है वो अभी तक कुछ रोजगार नहीं हुआ है। मैंने अभी छोटे में अपने गोपी पवार जी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वो हमारे खड़े रहे। एक पत्रकार साहब ने अभी भाई साहब ने पूछा था हमसे कि अभी खड़ी नहीं हुई यहाँ पे। मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है, उनको भी अपने माध्यम से सूचना प्राप्त कराई है। निर्दलीय संगठन के द्वारा कॉलेज में था लेकिन शर्मा जी उसके अध्यक्ष ने उनको भी सूचना दी है, किसी कारण से वो नहीं आ पाए। जय उपाल साहब मेरी बात हुई, वो शायद किसी कारण पहुँच नहीं पाए, पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग में हमारे पास जितेंद्र मिश्र जी बैठे, जितेंद्र पाल पार्टी जी बैठे हैं, इसके से हमारे वंदे मातरम जो है उसके सहयोग के और भी पहुंचे हिमांशु चौहान जी, ऐसे भाई जी, इन्होंने भी काम सहयोग करेंगे। हमारी मांगे ये थी, अंकिता जो हमारी बहन है उसको न्याय के लिए हमने एक गुहार की थी, हमने ज्ञापन भी दिया था, सभी लोगों ने किया। पूरा उत्तराखंड रो रहा है सर, ये दोबारा इससे ये अपना दोबारा नहीं हो पाएगा। अगर किसी को जाँच नहीं किया, कार्रवाई नहीं होगी तो क्लियर कीजिएगा, अगर मैं या किसी के साथ हो सकती है। हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम नहीं सकते सीबीआई जांच के लिए, इसको हमने जो कदम उठाया, हम पैदल यात्रा करेंगे। हमारा ना कोई ऐसा किसी को परेशान करने का उद्देश्य रहेगा। हम अंकिता के घर शुरू करेंगे श्रीनगर होते हुए, और जो उसका जैसे कहा जाएगा, जिसने न्याय ढूंढना वाला जो अपराध किया है उसके जो रिजॉर्ट था ऋषिकेश तक, वहाँ तक यात्रा भर जाएगी। और उसके बाद भी नहीं होगी, हम सभी संगठन और जो प्रदेश के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि बहन को न्याय दिलाने में सब हमारे साथ एकजुट होंगे। गोपी पवार जी, यूके SSSC वाले मामला को प्रकरण उठाया था आपने, बताया जान वाले खतरा है, लेकिन उस नाम का खुलासा नहीं किया, क्या माने आप ही दबाव में काम कर रहे हैं क्या? देखिए, जान माल का खतरा हो सकता है और वास्तव में होगा भी, क्योंकि आज 50 माफिया अगर अंदर है और इस युग में, इस टेक्निकल युग में कोई आकर आपको फोन में धमकी देगा या इस तरीके से कोई कृत्य करेगा तो मुझे नहीं लगता करेगा। जिसको करना होगा डायरेक्ट आके करके जाएगा, क्योंकि अगर फोन में धमकी देगा इस तरह का वो करेगा तो पकड़ा जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, जिसको करना होगा वो सीधे आकर करके जाएगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी के इस जमाने में कौन ऐसा कृत्य करेगा कि वो पकड़ा जाए। सरकार को थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमारा भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आज 50 माफिया अंदर है, तो जिन युवाओं ने ये संघर्ष करा उनकी सुरक्षा की दृष्टि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। तो क्या खुद को सुरक्षित मानते हैं आज भी आप? नहीं देखिए, असुरक्षित तो क्या, हमारा अपना प्रदेश है, अपना जिला है, ऐसा असुरक्षित तो हम ऐसे महसूस नहीं कर रहे कि हम दूसरे किसी दुश्मनी देश में हैं। परंतु हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस प्रकार से माफिया दिनों दिन बाहर आ रहे हैं तो लगता है कि वो बाहर आकर कुछ ना कुछ ऐसी रचना रच सकते हैं कि जिससे हमें खतरा हो। ऐसा क्या वाकया आपके पास कैसे हुआ, आप कैसे